say hello. पूरी तरह से साफ होकर के सज्जित करना है. ये प्लेट जब उदय में स्थित हो जाता है तब उसको उदय पूरी तरह से अपने अंदर शोषण नहीं करता. जैसे पहले कोई आपको प्रेम देता है, माँ देती है प्रेम, बाप देते हैं प्रेम, और भी लोग आपको प्रेम देते हैं, उस प्रेम को आप लोग अपने अंदर शोषित करते हैं. जो प्यार पति से मिला, पत्नी से मिला, वो आपके रोम रोम में छा जाता है और वो अपने ही तक सीमित रहता है. उसका प्रकाश और को नहीं मिलता. एक अगर माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो वो उस बच्चे तक और उस माँ तक ही सीमित रहता है. कभी कभी उसके बड़े विपरीत भी परिणाम निकल आते हैं. कोई माँ अगर अपने बच्चे को जरूरत से ज्यादा अगर प्यार करती है तो बच्चा कभी कभी बुरा बर्ताव करता है, उसके व्यवहार में शुष्कता आ सकती है, दुष्टता आ सकती है. वो माँ को तंग कर सकता है, उसका अपमान कर सकता है. या कोई बच्चा अपनी माँ के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हो तो हो सकता है कि उसकी माँ उस पर हावी हो जाए, उसके सर पे सवार हो जाए. इसी प्रकार एक पति पत्नी में भी जो प्रेम होता है वो कर संतुलन से हट जाए, लेन देन में फर्क पड़ जाए तो उसके अनेक विपरीत परिणाम होते हुए देखे जाए. लेकिन सहयोग का जो स्नेहमय प्रेम है दीप में जब भर दिया जाता है तो वो अपने तक सीमित नहीं रहता है. और उसमें जब दीप जल जाता है, जब आत्मा की जोत फैल जाती है तो वो सारे संसार के लिए आलोकित करने का माध्यम है. उसकी ये शक्ति हो जाती है उस हृदय की कि वो सारे संसार को आलोकित करे, सारे संसार में प्रकाश फैला, सारे संसार का अज्ञान हटा, सारे संसार में आनंद फैला. यही जो एक मिट्टी का दीप हर साल तोड़ दिया जाता था, एक समय ऐसा विशेष दीप बन जाता है कि कभी भी नहीं बुझता. और इस दीप से अनेक दीप जलते हैं और वो जो दीप जलाए जाते हैं वे भी कभी नहीं बुझते. ये कौन सी धातु का बनाया हुआ दीप है ऐसा अगर कोई पूछे तो कहा जाएगा कि ऐसा तो कोई धातु है ही नहीं संसार में जो इस तरह के दीप बनाए, जो जलते रहे और दूसरों को भी आलोकित करते रहे और उस पर भी कभी भी न नष्ट हो, उल्टे अमर हो के संसार में सारे संसार में तारांकन बन के चमकते रहे. ऐसे हमें भी अकेले अकेले इस संसार में कहीं पर जैसे आपने देखा बड़े बड़े संत साधु हो गए. इस महाराष्ट्र भूमि में भी अनेक संत साधु हो गए अकेले अकेले कहीं बैठे हुए, धीरे धीरे धीमे धीमे चलते रहे. लेकिन वो आज भी तारांगण बन के संसार पे छाया. लेकिन वो अकेले दीप थे, दीपावली नहीं थी, अकेले दीप थे. कभी कभी एक दूसरे से मिल लेते थे लेकिन आज हमारी दीपावली
आप लोग सब वही दीप है जिनकी मैं व्याख्या कर रही हूँ, जिनका मैं वर्णन कर रही हूँ, वही सुंदर दीप जो कि आलोकित हो गए और आलोकित होने के बाद दूसरे अनेक दीप जला रहे हैं। एक दीप से हजारों दीप जल रहे हैं। यही एक तरीका है जिससे संसार का अंधकार, उसका अज्ञान सब नष्ट हो सके। लेकिन इसके अंदर एक बात याद रखनी है कि हम जिस तेज से चल रहे हैं, जिस निग्रता से चल रहे हैं, वो प्रेम है, वो निर्वाच प्रेम है। वो निरपेक्ष प्रेम, वो प्रेम किसी से चिपकता नहीं, वो कोई अभिलाषा नहीं रखता, वो कोई प्रतिकृति नहीं चाहता, वो अविरल इस दीप को जलाए रखता है। अत्यंत प्यार हो जाए, ये प्यार आपको वो प्रकाश देगा जो चिरंतन अनंत तक आपके अंदर सुंदरता की लहरें उत्पन्न करता रहेगा और आपका मार्गदर्शन करता हुआ आपको एक ऐसे आदर्श में पहुंचा देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि आप ये सब कर सकते। आपने बहुत बड़े बड़े महान लोगों के बारे में सुना होगा, इन सब से कहीं अधिक आप लोग कार्य कर सकते, इनसे कहीं अधिक आप आसानी से ऊंचे ऊंचे शिखर पहुंच सकते हैं। पर इतना ही है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं जो थी उसे लड़ते लड़ते जूझते जूझते वो लोग तंग आ गए थे, लेकिन आप अपना रास्ता इतना सुगम, सुरक्षित और आलोकित पाइएगा कि उसमें किसी भी प्रकार की आप अड़चने, सिर्फ याद रखने की बात एक ही है कि यह प्रेम का दिया है, ये दीप प्रेम ही से जल सकता है। और इस चीज से जो भी आप कार्य करते हैं वो आप प्रेम से, जब आप किसी को शिक्षा देते हैं, जब आप किसी को सहयोग के बारे में समझाते हैं, तो हमें ये सोच लेना चाहिए क्या मैं इनसे इस तरह की बात सोच कर अगर कोई सहयोग चाहे कि फैलाए तो नहीं, धीरे धीरे आराम से जैसे कि चंद्रमा की चांदनी धीरे धीरे फैलती है और उसमें सभी चीज एक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, इसी प्रकार आपका बर्ताव दूसरों के प्रति होना चाहिए। हाँ, एक बात है, इस दीप को संभालना चाहिए, उसकी और ऐसी नजर होनी चाहिए जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को हमने पाया हुआ है और ये अभी बाकी स्वरूप में कर है, तो इसे धीरे धीरे हमें आगे बढ़ा रहा है, उसके प्रति बड़ा आदर और एक तरह की प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि आज हम सहयोगी हैं। अगर हम सहयोगी हैं तो हमारे अंदर विशेष गुण होनी चाहिए, इसलिए नहीं कि हम गलत काम करेंगे तो उससे हमें कोई दुर्घटना उठानी पड़ेगी या हमें कोई नुकसान हो जाएगा या परमात्मा हमें कोई किसी तरह से दंड देगा, इस भय से सहयोग नहीं करना, आनंद से और प्रेम से सहयोग जो करना है। एक मजे की चीज है कि हमें माने पानी में तैरना सिखा दिया है और हम मौत से इस पानी में तैर सकते हैं, डूबेंगे नहीं। कोई भी भय आशंका अमन में न रखते हुए हमको इस प्रेम को जानना चाहिए, जानना चाहिए कि ये जो हमारा हृदय है, एक मुट्ठी में पल गए हैं, इस हृदय में एक स्वागत कहाँ से आया,
जैसी चीज है ये देखा जाता है कि इस छोटे से मिट्टी में पूरा सागर सा पता नहीं कहाँ से समाया चला जा रहा है। और जितना जितना उसके सूक्ष्म में आप उतरेंगे तो देखेंगे कि इस छोटे से हृदय में इतनी सुंदर भावनाएं दूसरों के प्रति समाज के प्रति में आएगी, इतनी उदात्त भावनाएं, इतनी महान भावनाएं कि जिससे हम लोग संसार का पूरी तरह से उद्धार कर सकते। सहयोग में बहुत लोग आ गए, बहुत ज्यादा लोग भी आ जाएंगे और आना चाहिए, लेकिन हर आदमी को एक विशेष रूप धारण करके एक विशेष समझ रख के आना चाहिए। यह नहीं कि सब लोग बैठे हैं तो हम भी चले गए सहयोग, आप एक विशेष और आप जो सहयोग में आए हैं आपका कोई ना कोई इसमें विशेष काम होगा। अभी देखिए एक छोटी सी चीज खराब हो जाने से ही ये यंत्र नहीं चलता, इसका हर एक छोटा छोटा पुर्जा भी कितना महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हर इंसान जो भी सहयोग में आता है स्त्री हो या पुरुष हो अत्यंत महत्वपूर्ण है और हर को चाहिए कि हम अपनी तबीयत ऐसी रखें जिससे हमारी जो ये यंत्रणा है जो परमात्मा ने यंत्रणा बनाई है वो ठीक से चल रहा है। हमारे जीवन की ओर लक्ष्य देना चाहिए कि हमने अपने जीवन में जो गलतियाँ की हैं और जिस तरह के हमने अपने अंदर शक्ति को इकट्ठे किए हुए थे वो एक एक करके छोड़ देना चाहिए। वो बहुत ही आसान है क्योंकि अब आप अपने अंदर बसे हुए सांप को देख सकते हैं, जब तक प्रकाश नहीं था आपने हाथ में सांप पकड़ लिया था, जैसे ही प्रकाश आ गया सांप निकल गया। आप जैसे ही अपने को देखना शुरू करेंगे इसी सुंदर प्रकाश में आप वो भी देख सकते हैं कि जो आपकी सुंदरता है और वो भी देख सकते हैं जो आपकी कुरूपता है। उस कुरूपता को एकदम से ही छोड़ देना चाहिए, आज छोड़ेंगे फिर कल छोड़ेंगे फिर कोशिश करेंगे, ऐसे आधे लोगों से ये काम नहीं होगा। मराठी म्हणतात ना त्याला पाहिजे जातीची आणि जात कोणची तर Oh.
को कहा गया है कृपया स्टेज पर आ जाएं। आइए अब हम लोग सब मिलकर सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री वेदाय नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री इष्टदेवताभ्यो नमः, श्री कुलदेवताभ्यो नमः, श्री स्थान देवताभ्यो नमः, श्री ग्राम देवताभ्यो नमः, श्री वास्तु देवताभ्यो नमः, श्री सची पुरंदराभ्याम नमः, श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, श्री कालकाम परशुरामेभ्यो नमः, श्री माता पितृभ्याम नमः, श्री आदित्य नवग्र देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा साक्षात् श्री आदिशक्ति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै पूजनं करिष्ये। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै पूजनं करिष्ये। आइए अब हम लोग कलश पूजन करें। कलश मतलब का और लस से बना है। का मतलब जल और लस का मतलब सुशोभित होना, यानी वो पात्र जिससे जल सुशोभित है। इस कलश के मुख पर विष्णु विराजमान है, कंठ पे खुद रुद्र समाहित है। इसके मूल यानी बेस में ब्रह्मा स्थित है और इसके मध्य में सारी माताएं हैं जिनके चारों तरफ सारे गण हैं। इनके अंदर सब सागर समाहित है, सात द्वीप और धरती समाहित है। इसके अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मतलब ये सारे ज्ञान वेद का जो है वो इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर गायत्री सावित्री भी मौजूद है। इसके अंदर गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु कावेरी, इनकी पवित्र जल मौजूद। जहाँ पे जल नहीं है वहाँ वरुण देवता मौजूद है। इस कलश का पूजन हम लोग गंधाक्षत पुष्पक समर्पयामि, यानी गंध यानी इत्र, अक्षत अक्षत यानी पूर्ण चावल, चावल जो टूटा हुआ ना हो, और पुष्प
इन तीनों से हम लोग करते हैं। आइए हम लोग कलश पूजन करें। कलशस्य मुखे विष्णुः कुंभरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो हतवर्णः अंगेश्च संहिता सर्वे कलशं तु समाश्रितः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयातु देव पूजान तुरित जय कारिकः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सिद्धिं कुरु श्री वरुणाय नमः सर्वोपचाराणि गंधाक्षतपुष्पं समर्पयामि। गणेश पूजन के लिए 6 से 12 साल के बच्चे कृपया लाइन से आ जाए। Thank you.
Thank you.
विश्वास है। Thank you.
विष्णवे। लक्ष्मीपते ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीलक्ष्मीपते नमो नमः। श्रीकृष्णाय ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकृष्णाय नमो नमः। श्रीवैकुण्ठाय Oh.
गदाधराय ओम त्वमेव साक्षात् श्री गदाधराय नमो नमः श्री उपेन्द्राय Shri Kurma Tanve Namo
श्री ध्वनि में ओम त्वमेव साक्षात् श्री ध्वनि में नमो श्री कल्पि में Om Dhanvantri.
श्री गजेंद्र वरदाय Vishnu, Namo Namah, Satcharaj.
all trustees and the all doctors who are available here, kindly come for our weekly awareness.
Now, I would like to request France collectivity to offer garlands in the lotus feet of Shri Mataji. इनको कहना चाहूँगा कि आप बहुत मेलोडी सिंगर्स आप सबसे गुजारे से रिक्वेस्ट है कृपया श्री माता जी से जाना भी खोलना अर्पण है सभी टीम म्यूजिक टीम I wish you all my brothers and sisters and all the sweet children, I wish you all a happy Diwali! This every candle that you enlighten the whole world with Shri Mataji's wishes.